बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अकबर अली शेख है और मैं वॉच लर्न चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए प्राइमरी क्राइटेरिया ये होती है, आपको ब्रोकरेज हाउस के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ब्रोकरेज हाउस एक स्टॉक ब्रोकर भी जिसको कहते हैं, स्टॉक ब्रोकर एक एजेंट है, मतलब शेयर होल्डर रिप्रेजेंटेटिव भी इसको कहते हैं, इन्वेस्टर का रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। मतलब आप इन्वेस्ट डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकते जब तक आप अकाउंट ब्रोकरेज हाउस के पास नहीं खुलवाते। तो ये एक एजेंट है जो कनेक्ट करता है आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। मतलब वो अकाउंट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके बाद ही आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर पाते हैं। मतलब आप डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब तक अकाउंट नहीं खुलवाते ब्रोकरेज हाउस में। अब मसला ये आता है, पाकिस्तान में ब्रोकरेज हाउस 300 से यहाँ 400 से ज़्यादा हैं। अब मैं किस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाऊँ, तो इसकी लिस्ट में वीडियो लिंक में भी दे देता हूँ, उसमें सारे ब्रोकर आ रहे होंगे। उस ब्रोकर में आपको पता चलेगा कितने ब्रोकर एक्टिव हैं, कितने एक्सपायर हो चुके हैं, कितने सस्पेंडेड हो चुके हैं। अब ब्रोकर सिलेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके पास आप अकाउंट खुलवाएंगे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। अब उसमें चार या पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो जो मैं वन बाय वन इस वीडियो में बताने भी जा रहा हूँ। कि एक पहली आपको देखनी है उसकी मार्केट रिप्यूटेशन। अब मार्केट रिप्यूटेशन में क्या देखते हैं आप, उसका एक्सपीरियंस देखना है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी इंसाइट होगी उसकी ब्रोकर की, वो उतनी आपके साथ इन्फॉर्मेशन अच्छी शेयर करेगा। और अच्छी जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप ट्रेडिंग भी अच्छी करेंगे, बाइंग और सेलिंग भी आपकी अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी निकलेगी। और दूसरा रीज़न ये है कि एक्सपीरियंस भी देखना है और वेबसाइट पे आपको उसका विजिट भी करना है, उस पर आपकी कस्टमर बेस भी उसका पता चलेगा, उसकी प्लेटफॉर्म की पता चलेगा, उसकी यूज़र फ्रेंडली है और किस तरीके की उसकी फीचर्स हैं, और उसके बाद उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। अब क्रेडिट रेटिंग भी उसकी देखना इंपॉर्टेंट है। जो भी ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना है ना, उसकी क्रेडिट रेटिंग भी देखना ज़रूरी है। क्रेडिट रेटिंग में दो कंपनीज पाकिस्तान में जो ब्रोकर की क्रेडिट रेटिंग देती हैं, वो दो कंपनीज कौन सी है, एक वाइटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज है और पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो ब्रोकरेज हाउस को रेटिंग देती हैं। जिनकी रेटिंग अच्छी हो उस पे से ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जिनकी मार्केट रिप्यूटेशन बहुत हाई है, वो हर बंदे को जो भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा होता है उसको पता होता है। जैसे 5-6 नाम मुझे अभी जहन में याद आ रहे हैं या जहन में आ रहे हैं, एकेडी सिक्योरिटीज़ हैं, जहांगीर सिद्दीकी है, आरिफ हबीब है, ACS ट्रेड है और IGI है और फौजी फाउंडेशन भी है। तो ये जिनकी रिप्यूटेशन बहुत हाई है मार्केट में, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास ही अकाउंट खुलवाएं। तो आप इसके अलावा भी किसी और के पास भी अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसकी मार्केट रिप्यूटेशन अच्छी हो। वो कैसे पता चलेगा, आपका दोस्त पहले ही ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उसका अच्छा है, मार्केट रिसर्च भी अच्छी देता है, तो उसके पास भी आप खुलवा सकते हैं। जिसके पास ट्रस्ट है, रिलायंस भी है, गाइडेंस आपको अच्छी देता है शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए, आप अपने दोस्त से जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है उससे भी आप मालूम कर सकते हैं कि ये कैसा ब्रोकर है, तो आप उसके पास भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। क्योंकि इन ब्रोकर के पास एक ये है कि खुलवाने के लिए रिक्वायरमेंट भी होती है डिपॉजिट की, वो इनकी हाई होगी कंपेरेटिवली जो ब्रोकर, इनकी रिप्यूटेशन कम होगी। वो भी मैं आगे वीडियो में इसकी डिटेल थोड़ी बता दूंगा कि किस तरह मैं अकाउंट में कितने पैसे डलवाने पड़ते हैं और कितने पैसे चाहिए होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए भी। उसके बाद पहले आपने मार्केट रिप्यूटेशन देखनी है। उसके मार्केट रिप्यूटेशन में मैंने एक्सपीरियंस की बात की, उसकी कस्टमर की बेस की बात की, क्रेडिट रेटिंग की बात की। उसके अलावा अब आपको देखना है कमीशन रेट। अब कमीशन रेट ब्रोकरेज हाउस जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है ना, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एक फैसिलिटी देता है जो आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इसकी एक सर्विस चार्ज करता है। वो शेयर्स की बेसिस पे, शेयर प्राइस की बेसिस पे वो कमीशन चार्ज करता है। अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कमीशन रेट डिफरेंट होते थे। जब कमीशन रेट डिफरेंट होते थे तो स्टॉक ब्रोकरेज हाउस को भी एक कंसिडर किया जाता था कि जो कमीशन कम चार्ज करें उसको सिलेक्ट करें और अच्छी रिलायंस भी हो और कम चार्ज करें। लेकिन आजकल जो है ना, रेट फिक्स कर दिए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो फिक्स कर दिए हैं 3 पैसा या 0.15% पर शेयर, वो चाहिए जो इसमें से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, उसमें आपने एक शेयर खरीदा वो है 100 रुपये का। अब 100 रुपये का शेयर है, 3 पैसा होगी या 0.15% ऑफ द शेयर प्राइस।
अब उसका 15 पैसा बनता है, 3 पैसा या 15 पैसा जो ज्यादा होगा, मेरे एग्जाम्पल में 15 पैसा ज्यादा है तो इसमें आपको कौन सा देना पड़ेगा, 15 पैसा। तो इसमें मसला ये आता है कि जिसकी जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ज्यादा होगा तो आपकी शेयर प्राइस वॉल्यूम ब्रोकरेज कमीशन भी ज्यादा होगी। तो आपको इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कमीशन रेट्स को भी देखना कि आप अगर कमीशन रेट वेरी करते हैं, अगर वेरी करते हैं तो आपको कमीशन भी एक देखना पड़ता है कि भाई मेरी एक वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको ये नहीं देखता कि आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। कमीशन सिर्फ बाइंग पे नहीं होती, सेलिंग पे नहीं, दोनों पे होती है, मतलब बैंक पे भी होती है और सेलिंग पे भी कमीशन रेट वो चार्ज कर रहा होता है। तो इसमें आपको ये भी देखना होता है कि कमीशन रेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर डिफरेंट है तो ब्रोकरेज हाउस में तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन अभी जो मेरी नॉलेज में है वो फिक्स किए गए हैं, वो 3 पैसा और 0.15% पर शेयर है। उसके अलावा कमीशन रेट देखने के अलावा उसके अलावा आपको देखनी है मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च वो कैसी प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट रिसर्च में क्या देखना है, मार्केट रिसर्च ही आपको बताती है कि मार्केट कहाँ पर खड़ी है, मतलब बाइंग बनती है शेयर्स की सेलिंग बनती है या शेयर्स को होल्ड करना चाहिए हमें जिसने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो इसमें आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलता है मार्केट रिसर्च से। अब मार्केट रिसर्च में ये कौन प्रोवाइड करता है, ये आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, ब्रोकर भी प्रोवाइड करता है, आप खुद भी करते हैं, आप विजिट डिफरेंट वेबसाइट करते हैं, कंपनीज की वेबसाइट विजिट करते हैं, उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी खुद भी देखते हैं, अगर आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप खुद भी देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट विजिट करेंगे। लेकिन आपको ब्रोकर आजकल व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, लाइक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कंपनी की ग्रोथ ट्रेंड्स प्रोवाइड करेगा कि कंपनी का ग्रोथ ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छी होगी तो अच्छी प्राइस, शेयर प्राइस अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी शेयर प्राइस मूव होगी। अब तो ये एक इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी अनाउंसमेंट क्या है, उसकी डिविडेंड हिस्ट्री क्या है और शेयर प्राइस हिस्ट्री उसकी क्या है, मतलब लास्ट ईयर क्या थी, करंट ईयर क्या है और फ्यूचर में इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, शेयर प्राइस कैसी रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट रिसर्च से पता चलेगी। मार्केट रिसर्च आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेसिस पे आप बाय करेंगे या सेल करेंगे शेयर प्राइस को या होल्ड करेंगे। अब शेयर प्राइस की मार्केट रिसर्च के अलावा एक चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो है प्लेटफॉर्म। एक जो ब्रोकरेज हाउस ट्रेडिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐप प्रोवाइड करता है, ऐप के थ्रू आप बाय करते हैं सेल करते हैं शेयर्स को, और वो ऐप है जो आपको इन्फॉर्मेशन भी बताती है कि कौन सी शेयर प्राइस ने ज़्यादा मूव हुई, अब कौन सी शेयर प्राइस कम करी, कौन से वॉल्यूम लीडर से, मतलब ऐप की इतनी अच्छी फीचर्स हो वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, आपको ग्राफ दे उस कंपनी के PSO की। जैसे ही आपने स्टॉक सैम्पल डाली उसमें ऐप में, मतलब पाकिस्तान स्टेट आई उसका स्टॉक सैम्पल होगा PSO, आपने जैसे ही सैम्पल डाली तो उसके ग्राफ चार्ट आ जाएंगे, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी डिविडेंड हिस्ट्री आ जाएगी, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है उसकी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए वो भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए ऐप में, और उसमें शेयर प्राइस उसकी हिस्ट्री भी आ जाती है सारी, मतलब आजकल जो है ना ऐप में पता चल जाती है। और आपने उसमें ऐप में ये भी पता चलता है जो आपने शेयर्स बाय किया है और शेयर आपने सेल करेंगे तो उसका क्या कितना प्रॉफिट बनेगा, स्टॉप लॉसेस की भी इन्फॉर्मेशन होती है। ऐप के अलावा डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू भी आप, मतलब वेबसाइट के थ्रू उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आप उस पर भी उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको यूज़र नेम और लॉगिन आईडी प्रोवाइड करता है जो ऐप में भी आपको इंसर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ये एक्सेस मिलता है। तो वेबसाइट में भी आपको एक्सेस ऐसे ही मिलेगा, आपको यूज़र आईडी वो प्रोवाइड करता है और आपको पासवर्ड, एक यूनिक पासवर्ड प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं, और उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। थैंक यू।